सो बहुत सारे लोगों के अभी ना कमेंट्स और ऐसे, और मैं उस पर भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी ना, कि लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोगों से, रैंडमली स्टोरी लगा रहे हैं कि तो घूमने जाना है तो बाहर जा सकते नहीं जा सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अभी जस्ट दिल्ली गया था क्योंकि मेरी मदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं घर गया हुआ था, मैं और हिरल दोनों। तो अभी हम जब गए थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जाने के तुरंत बाद ही, 2 दिन बाद ही ये सब हो गया। तो अभी मैं वापस मनाली आ चुका हूँ और स्नो भी चालू हो गई यहाँ पे। तो अभी जो कंडीशन थी मैं देख के आया हूँ, उसके हिसाब पर मैं तो आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने दिल्ली से मनाली के लिए डायरेक्ट बस की, तो सारी जितनी भी वॉल्वो बसेज है ना, वो सारी बसेज चल रही हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक दो कंपनी हो जिसने अपनी बस सर्विसेज बंद कर रखी हैं, कि मे बी उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है, तो शायद उन्होंने बंद की। क्योंकि जितनी टोटल कंपनीज दिखाई देती हैं जब आप बुकिंग करते हो, तो जितनी कंपनीज को मैं जानता था, लाइक डेल्टन और एक और कंपनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे डेल्टन बहुत फेमस है उस टाइम पे ना, तो लेकिन वो भी मुझे उसकी बसेस नज़र नहीं आ रही, तो डेल्टन ने अपनी सर्विसेज बंद कर रखी है। तो इक्का दुक्का और भी कंपनीज हैं जिन्होंने बंद कर रखी हैं। अदरवाइज लक्ष्मी हॉलीडेज, योलो बस एंड इंटरसिटी करके है, HRTC की सारी बसेज हैं, एक मलाना ट्रेवल्स करके, इंडिया ट्रेवल्स करके, ये कुछ सर्विसेज हैं जो काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छी हाई रेटेड कंपनीज हैं, ये सारी वर्क कर रही हैं। तो वॉल्वो बसेज सारी चल रही हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बस ये कि आपको रास्ता पता होना चाहिए कि जो मेन मेन एरियाज हैं वो ब्लॉक हैं, तो आपको कई जगह से यूपी के अंदर से ना घूम के आना पड़ेगा, लाइक गाजियाबाद बॉर्डर वगैरह से होते हुए, लोनी कॉलोनी से होते हुए, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो तो बसेस चल रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपके जो जैसे 12 घंटे में पहुंच रहे हो तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्योंकि या तो कई जगह हैवी ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि कई जगह पे सिंगल रोड है, तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है, बॉर्डर सील हो रखे हैं इसकी वजह से, तो रास्ते सारे खुले हुए हैं जहाँ आने के, अंदर अंदर से घुमा फिरा के लेके आ रहे हैं, बट ये है कि थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है, थोड़ा आप लेट हो सकते हो, तो थोड़ा सा टाइम लेके आएँ, और पर्सनल व्हीकल से, गाड़ी हो या बाइक हो, आप आ सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। और मनाली में भी वेदर अभी ऐसा है कि जब मैं गया था तब स्नो बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी मैं बस कल ही आया हूँ, लाइक मैं 20th को मैं वापस आया हूँ, तो अभी फिर से स्नोफॉल चालू हुई, पूरी रात स्नो हुई थी, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं हुई है, लेकिन लाइक अभी भी फिर से चालू हुई, तो अभी ये वेदर 9-10 दिन के लिए ऐसा ही रहेगा। अगर आप इस वीक में आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको स्नो मिल सकती है काफ़ी अच्छी खासी, अगर आप पहले मिस कर चुके हैं तो स्नोफॉल आपको इस टाइम पर एक्सपीरियंस कर सकते हो, बारिश भी मिलेगी आपको, स्नो भी मिलेगी। अब ये मैं भी नहीं आगे अगर मान लगा सकता ना, डिपेंड करता है कि वेदर कैसा रहता है, बट अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप इस वीक में आते हैं तो आपको स्नो मिल जाएगी। बाकी इधर अभी अटल टनल वगैरह अभी बीच में 1-2 दिन के लिए, शायद 4x4 के लिए खुला था, बट अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी फिर से स्नोफॉल हुई है, तो आने वाली वीडियो में मैं अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे बस इतना पता चला है कि फिर से बंद हो गया, क्योंकि सोलांग में भी बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, अटल टनल और उस पार भी बहुत हुई है, तो अभी कुल मिला के रास्ते बंद हैं। लेकिन आप फिर से वही किया, 4x4 ही करना अगर आप आते हैं, क्योंकि ऑल्टो वगैरह चल रही हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा स्नो हो चुकी है वहाँ पर नहीं चल रही हैं, तो 4x4 या तो लेके आ रहे हो आप, या बस से आ रहे हो डायरेक्ट, यहाँ से कैब कर रहे हो तो 4x4 ही करना, ठीक है, इतना ही है, बाकी इतना कोई केओस नहीं है, अभी सारे रास्ते खुल चुके हैं, मनाली तक के रास्ते बिल्कुल ओपन है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आप मनाली जो बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड, वहां पे पहुंचोगे, तो डायरेक्ट आ सकते हैं, अब यहाँ से आप 4x4 करो और घूमो। तो स्नोफॉल अगर आप लकी रहते हैं तो इस वीक में आते हैं तो बिल्कुल 100% मिलेगी आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी आ रहे हैं, दिल्ली से बस पकड़ते हैं डायरेक्ट, बेझिझक वॉल्वो बुक कीजिए और ये अपना व्हीकल लेके आओ, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रैफिक का देख लेना और थोड़ा घूम फिर के आना है बस, और कोई इशू नहीं है, सारी जगह खुली हुई है। तो ये अभी तक का, आज तक का अपडेट है, आगे अभी जैसे प्रोटेस्ट थोड़ा और बढ़ने वाला है, अभी फिर से थोड़ा और ज़्यादा हैवी होने वाला है, तो उसका भी जैसे मुझे अपडेट कुछ मिलेगा मैं बताता रहूँगा, हर वीडियो में बनाता रहूँगा जितना मुझसे पॉसिबल होगा, रील शॉर्ट्स या फिर वीडियो के थ्रू मैं बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, लेकिन अभी करेंटली ये आज 21 फेब तक का अपडेट है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले हुए हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ों का जवाब दे दिया होगा अभी, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लाइव अपडेट ले सकते हो मुझसे। आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो nomadicrahul के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे भी अपडेट्स डालता रहता हूँ, बाकी आप कमेंट के थ्रू मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।